नमस्कार दोस्तों, एनके फंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंसेंट हैंडल लगाने वाले हैं, और जब हम इसका खड्डा करते हैं तो हमें इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसका फर्मा बना लेते हैं, और इसको फर्मे की मदद से हम अच्छी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे अपना हैंडल लगना है उस जगह का अपन इस पे मार्किंग कर लेते हैं। तो हम इस पल्ले के इसको सेंटर में करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पल्ले का नाप ले लेते हैं, जो भी अपना नाप आता है उसमें से इस सेंटर पे निशान कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा आ रहा है 88 इंची, तो हम क्या करेंगे 44 इंची पे एक निशान कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो भी अपना सेंटर इसका नाप आता है पीछे की तरफ से, जैसे कि ये आ रहा है 1.25 इंची, तो हम क्या करेंगे 1.25 इंची का आधा हो गया अपने 4 इंची 5 सूत, तो एक 4 इंची 5 सूत पे इधर लगाएंगे और वापस से 1.25 इंची पे एक निशान कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो निशान किए हैं इसको हम गुनिया की मदद से सीधे दोनों निशान को उतार लेते हैं, ताकि जो अपना फर्मा बनाने में आसानी हो जाए। तो हमने एक निशान कर लिया है, और ऐसे ही इधर से भी निशान कर लेते हैं। तो ये अपना ये निशान आ गए। अब वापस यहाँ से हम कितना छोड़ने वाले हैं, तो हम इसको साइड में से 2 इंची छोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 सूत का ये है, तो हम लगभग 2 इंची 2 सूत पर एक निशान कर लेते हैं। और उसके बाद जो अपनी इसकी बॉडी की मोटाई है इसको नाप लेंगे, तो ये लगभग आ रही है अपने 1 इंची 3.5 सूत। तो वापस से हम 1 इंची 3.5 सूत पे यहाँ दोनों जगह निशान कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों निशान को हम लंबा सीधी पट्टी से खींच लेते हैं, ताकि जो अपना निशान है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो इस पे पकड़ के और पेन की मदद से हम इस पे निशान कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम इसका फर्मा बना रहे हैं 6 mm प्लाई के अंदर। तो हमने इसका जो प्लाई का साइज रखा है वो 15 इंची बाई 9 इंची, और आप अपने हैंडल के अनुसार ले सकते हैं। और एक हमने 1 इंची बाई 15 इंची की पट्टी 12 mm की काट रखी है। तो हम सबसे पहले इस पट्टी को इसके पीछे की तरफ से फिक्स कर देते हैं कीलियों की मदद से। जैसे कि दोस्तों हमने इस फर्मे को तैयार कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देते हैं, और जो अपन ने हैंडल के नीचे निशान किए थे उसी निशान को हम पहले इसके ऊपर उतार लेते हैं। तो ये गुनिया का निशान कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों इस कंसील्ड हैंडल का हम खड्डा रूटर मशीन की मदद से करने वाले हैं। तो अगर हम इससे खड्डा करते हैं तो हमें इसकी थल का नाप लेना होगा। तो इस साइड से आ रही है 1 इंची 4 सूत, और पीछे की तरफ से आ रही है 1 इंची 2.5 सूत। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपने हैंडल का खड्डा है तो इसी से हमें इसका नाप एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो इसी मदद से हम इसके निशान कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस फर्मे की कटिंग कर ली है, और अब हम क्या करेंगे, इस निशान पे इसको पकड़ लेंगे, और वैसे तो अपन इसको दबा भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इसमें 2 कीली अटका देते हैं इस बॉर्डर के नीचे की तरफ, ताकि जो अपना फर्मा है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो अपना रोटर मशीन का बेट है इसको हम लगभग 2 सूत बढ़ाकर और इस फर्मे के अंदर चला देते हैं। तो 2 सूत एक बार कट जाएगा, और जो बाद में माल बचेगा इसको उस जगह पे सेट करके और इस मशीन से हम इसका खांचा निकाल देते हैं।
अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने इसमें एक बार कट निकाल दिया था, तो हम क्या करेंगे, इस रूटर मशीन के बेट को और इस हैंडल की जो अपनी ऊपर वाली पत्ती है उससे टच कर लेंगे और वापस से हम इस नट बोल्ट को टाइट कर देंगे ताकि जो अपना रोटर मशीन का बेट है वो एक जगह फिक्स हो जाए। जैसे कि हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और एक बार इसके अंदर और घुमा देते हैं तो अपना लगभग हैंडल का जो खांचा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से कट जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा खड्डा हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इस फर्मी को खोल देते हैं और इसके अंदर जो बुरादा है इसको निकाल देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर हैंडल को डालकर देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस खड्डे के अंदर से बुरादे को हटा लिया है और जो अपने पास कंसेंट हैंडल है इसको अंदर डालकर देखते हैं और देखिए ना ये लूज है और ना ही ये टाइट है, तो आप इस तरीके से हैंडल के खड्डे की कटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों हम इसका हॉल निकालने वाले हैं, तो इस बॉडी से लगभग 150 ये इधर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे अपना जो खड्डा किया है इसमें हम 150 इधर छोड़कर और इसमें 150 वाले बेड से हॉल कर देते हैं। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी अंदर वाली पत्ती है इसको यहाँ पे रख देंगे और पीछे की तरफ से हम एवरो टेप्स की मदद से इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि जब अपने इसके अंदर डालेंगे तो ये पत्ती जो है अपनी इधर उधर नहीं होगी। अब दोस्तों हमने जो खड्डा किया है उसके पीछे की तरफ से इसमें जो इसका मशीन स्क्रू आता है इसको हम पकड़कर और टाइट कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो हैंडल है वो अच्छी तरीके से फिट हो चुका है और देखिए जो इसकी पीछे वाली पट्टी है इसमें बिल्कुल भी ढीली नहीं है, अगर ये ढीली रहती है तो ये दबदब करती, देखिए इसमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो आप इस तरीके से एक परफेक्ट कंसील्ड हैंडल को फिटिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।